हाँ डियर फ्रेन तिथि दिवाकर फ्रॉम डिग्री चिमकोटा जॉब वर्कम प्रॉपर्टी सर न्यू यहाँ पर प्रीवियस ईयर साइल्ड पेपर एम सी क्यू फोटो जो है सेलेंट डेटा और इकानोडर में वो फोटो जो है वो प्रीवियस ईयर साइल्ड पेपर फोटो जो है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सेलेंट डेट के भी हैं। टू वर्ड डिफिनिट द यूनिसेलुलर एनिमल फॉर फोटो जो है इज फाउंड रेदर देन अससेसिटी ड्यू टू द वन फॉलोइंग एग्जाम्पल स्टेटेड वन वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन और इग्लिना इग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है इसलिए यहाँ पर और ये सर्टिफाइड नहीं है पोटो जुआ में और द पोटो जुआ इग्निशल बट द बॉडी ऑफ इग्लिना इज डेवलप्ड आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर सरफेस सेल्ड पेलिकल देयर फॉर इग्लिना इज एक्सेप्शन इज एग्जाम्पल ऑफ द पोटोजन फाउंड इन द रेदर अनफैक्ट्री अनसर्टी फैक्ट्री दे आर प्रोसेस करेक्टेटिक फीचर प्लांट एंड एनिमल पैरामाइलन बॉडी पाई जाती है यूलिनम और यहाँ पर ये रिजर्व फूड होता है स्टार्च लाइक होता है मगर स्टार्च नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं यहाँ पर जो पैरामाइलन बॉडी में स्टोर होते हैं कंटेंट क्लोरोफिल विच एट द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू बी स्टोर एज द स्टार्च ग्रैनुलर एज पैरामाइलन रिजर्व फूड इग्लिना बीडीएस स्टार्च होगा पैरामाइलन बॉडी यहाँ पर होगा केवल पैरामाइलन बॉडी पैरामाइलन ये और ये यहाँ पर है वो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है इग्लिना में और यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम हेमोजिन इज द फाउंड इन हेमोजिन पाया जाता है यहाँ पर मेरे जवाब में हेमोजिन इज फाउंड द मेरे जवाब स्टेज और जो मेरे टाइज पाई जाती है पोस्ट एरिथ्रोसाइट साइकिल में एरिथ्रोसाइटिक साइकिल प्लाज्मोडियम क्रोपोजॉइड प्लाज्मोडियम लिविन तो क्रोपोजॉइड प्लाज्मोडियम रहता है यहाँ पर मस्क्यूटो एरिथ्रोसाइट मैन में इन्फेक्टिव स्टेज है मलेरिया पैरासाइट स्पोरोजॉइट तीन स्टेज होती हैं यहाँ पर क्रोपोजॉइड स्पोरोजॉइट और सिस्ट इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम बाइबॉक्सिस प्लाज्मोडियम बाइबॉक्स स्पोरोजॉइट मैलिग्नेट यहाँ पर बायबॉक्स के द्वारा मैलिग्नेट मलेरिया बनता है वो बिनाइन मलेरिया बनता है टर्टियन बिनाइन मलेरिया और मैलिन मलेरिया बनता है पेल्सिपेरम के द्वारा और पेल्सिपेरम के ब्लैक फेवर भी बनता है सेरिब्रल मलेरिया भी बनता है हेमोजिन तो है फाउंड इन मैरोजॉइड स्टेज में कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन मैरोजॉइड स्टेज में स्टेज यहाँ पर आरबीसी मैरोजॉइड जो है पाया जाता है आरबीसी में प्लाज्मोडियम हेमोजिन होता है मैरोजॉइड स्टेज में पाया जाता है जो कि आरबीसी में होती है मैरोजॉइड स्टेज हेमोजिन ग्रानुलर ग्रानुलर सेंटर इन द साइजॉइंट स्टेज ऑफ लीवर और सेल एंड आरबीसी में है देखो आरबीसी में रिग्नेट साइनेट रिग्नेट स्टेज भी होती है हेमोजिन क्या होता है रप्चर होता है आरबीसी का तो वो यहाँ पर टॉक्सिक मटेरियल या फिर अग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है जो आरबीसी का रप्चर होता है वो इसी से बनता है हेमोजिन जिससे सिवरिंग होती है पेशेंट में मतलब होस्ट में और ट्रोपोजॉइड स्टेज पाई जाती है आरबीसी में ट्रोपोजॉइड आरबीसी में पाई जाती है ट्रोपोजॉइड स्टेज फाउंड इन आरबीसी और मैरोजॉइड स्टेज फाउंड इन आरबीसी दोनों स्टेजें पाई जाती हैं आरबीसी में यहाँ पर आरबीसी में ये सब स्ट्रक्चर है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम बाइबॉक्स फॉर द फीमेल एनाफिलीज फीमेल एनाफिलीज के लिए यहाँ पर है गैमेटोसाइट्स इन्फेक्टिव स्टेज है फीमेल के लिए और मैन के लिए यहाँ पर वुमन के लिए स्पोरोजॉइट वुमन के लिए स्पोरोजॉइट और फीमेल जो है वर्टिब्रेट होस्ट है प्राइमरी स्टोर इसका यहाँ पर प्राइमरी है वुमन सेकेंडरी है प्राइमरी वुमन है और सेकेंडरी है यहाँ पर सेकेंडरी प्राइमरी वुमन सेकेंडरी मस्क्यूटो ये फीमेल होती है मस्क्यूटो में
फीमेल मस्कीटो में होता है यहाँ पर गेमटोसाइट इन्फेक्टिविटी, मेल में होती है, वुमन में होती है फोर गैट। मुरर डार्ट पाए जाते हैं पेल्सिपेरम में, और मुरर डार्ट पेल्सिपेरम में सेरीबेरल पाया जाता है पेल्सिपेरम में, ग्लेयर फेवर पाया जाता है पेल्सिपेरम में, मलेरिया मैलिग्नेंट मलेरिया पाई जाती है पेल्सिपेरम में, ये सारी चीज़ें पेल्सिपेरम में ही पाई जाती है, और ब्लैक फेवर भी पाया जाता है पेल्सिपेरम में, इतने सारे पेल्सिपेरम में पाए जाते हैं ब्लैक फेवर सेरिबर और सेलीबलर, यहाँ पर ब्लैक फेवर सेलीबर मैलिग्नेंट टिटिन मलेरिया, ये सारे पेल्सिपेरम में पाए जाते हैं। और ओवाली होती है यहाँ पर, ओवाली होती है मलेरिया क्वाटिनर क्वाटिनर मलेरिया के द्वारा, क्वाटिनर टटिन मलेरिया के द्वारा होती है मलेरिया, और यहाँ पर ओवाली के लिए होती है यहाँ पर मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवाली के द्वारा होती है ओवेली मलेरिया, बायबाक के द्वारा होती है मैलिग्नेट मैलिग्नेट और बायबाक मलेरिया। प्लाज्मोडियम पेल्सिपेरम इन्फेक्ट द माइनट ग्रानुलस और कार्पोक्लेसिस और उसे कहते हैं मुरर डार्ट्स। मुरर डार्ट मैच्योर गैमेटोफाइट और प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन मैच्योर गैमेटोफाइट फाउंड इन पाए जाते हैं मस्कीटो में। गैमेटोगोनी यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्कीटो में होता है, इसलिए गैमेटोगोनी यानी गैमेट की जो भी प्रोसेस है सब फीमेल एनोफिलीज में पाई जाती है। साइजांड स्टेज लीवर में पाई जाती है और आरबीसी में पाई जाती है साइजोगोनी, और गेमिटोगोनी पाई जाती है वह यहाँ पर इक्टोमस फीमेल में। वेयर द गेमिटोफा जो गेमिट हैं वो बनते हैं आरबीसी में, मगर यहाँ पर मैच्योर होते हैं आरबीसी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट तो प्लाज्मोडियम की, वर्मीफॉर्म जाइगोट को ओपनटीज भी कहते हैं, टेल प्रेजेंट इन द जाइगोट, जिसमें टेल पाई जाती है जाइगोट में, जाइगोट में टेल भी पाई जाती है। एक्सक्रीशन इन एंटीमीबा हिस्टोलाइट का टेक प्लेस बाय जनरल बॉडी सर्कुलेट के द्वारा होगा, वो स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता इसमें। टू वर्ड डेफिनेशन ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल फॉर द प्रोटोज इज फाउंड रेदर देन असर्टिविटी ड्यू टू द वन एग्जाम्पल ऑफ स्टेटेड वन ऑफ द एक्सेप्शन इवलिना। पैरामालियन बॉडी पाई जाती है इवलिना में, फोरेजर पोड है इवलिना में। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ऑफ इवलिना इज कम्पोज ऑफ क्लोरोफिल ए बी प्लस बीटा कैरोटीन 2016 TGT बायोलॉजी 21 में पेपर हुआ था, 16 का एग्जाम था। द क्लोरोप्लास्ट विग्लिना जी कंपोज ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड बी कैरोटीन विग्लिना इज अ जीनस ऑफ द सिंगल सेल प्लेजलेट यूकैरियोटिक व्हेन देयर आर इनफ सनलाइट विग्लिना न्यूट्रलाइज द क्लोरोफिल ए एंड बी बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस द शुगर बाय द फोटोसिंथेसिस विग्लिना इज द क्लोरोफिल सराउंडेड बाय द प्रोटोप्लाज्मिक कैप्सूल। इग्लिना कंटेन क्लोरोफिल ए एंड बी, इसमें यहाँ पर कैरोटीन नहीं है तो ए एंड बी। पीसीए 2010 में आया पूछा था ये। वन ऑफ द फॉलोइंग इग्लिना बिलोंग टू द विच क्लास, ये TGT बायोलॉजी में आया था तो इसमें क्लास पूछा था, वो 16 में पूछा था इग्लिना में क्लोरोफिल पूछा था, और यहाँ पर पूछा क्लास फाइटोमट्टी को फोरा। इग्लिना का क्लास फाइटोमटेरियला आइडिया इग्नो आइडिया है यहाँ पर ओज का ऑर्डर। सब फाइलम मट्टी को बोरा इसका। इन्फेक्शन द माइनट ग्रानुलस कार्पोक्लेसिस साइटोप्लाज्म तो इसे कहते हैं मुरर डार्ट। कितनी बार रिपीट हुआ ये, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है
मोरल गैमीट्स गैमीटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन मोरल पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं मोरल डार्ट और यहाँ पाए जाते हैं आरबीसी में, आरबीसी ऑफ मैन वो स्टोमच ऑफ मस्कीटो मोरल डार्ट पाए जाते हैं मोरल मैच्योर, हाँ मैच्योर गैमीटोफाइट में मोरल डार्ट होता है, मोरल डार्ट तो आरबीसी में पाए जाते हैं, यहाँ पर मैच्योर गैमीटोफाइट प्लाज्मोडियम स्टोमच ऑफ फीमेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बर्मी फॉर्म इमोटाइल जाइगोट इन लाइफ साइकिल, तो बर्मी फॉर्म इमोटाइल जाइगोट पाई जाती है प्लाज्मोडियम में। ओकंटीज इसे भी कहते हैं, ओकंटीज बर्मी फॉर्म बर्मी कुल या फिर ओकंटीज, और जिसमें टेल पाई जाती है, टेल प्रेजेंट इन जाइगोट, जाइगोट में टेल पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्मी फॉर्म जाइगोट प्लाज्मोडियम, यहाँ पर ये टेल है जाइगोट है, ये टेल है इसमें महीन सी जी धागे नुमा। मोटाइल जाइगोट यहाँ पर फिर पूछा, मोटाइल जाइगोट प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है क्योंकि इसमें पहला स्टेज का ह्यूमन, दूसरा है मस्क्यूटो। क्रिप्टोजोआइट आप जो क्रिप्टोजोआइट है वो क्रिप्टोजोआइट पाए जाते हैं लाइफ साइकिल आप बाईपास जो कि पाए जाते हैं आरबीसी में, आरबीसी नहीं है तो ब्लड ऑफ मैन होगा वो लीवर में, क्रिप्टोमेरोजोआइट लीवर में होता है, लीवर साइजों को नहीं होती उसमें। साइजांट ऑफ द प्लाज्मोडियम फाउंड इन साइजांट लीवर पाई जाती है लीवर में और पाई जाती है आरबीसी में, लीवर एंड आरबीसी ऑफ मैन साइजोगोनी, लीवर साइजोगोनी और उसके बाद होती है आरबीसी और एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। साइजांट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फाउंड इन साइजांट स्टेज प्लाज्मोडियम की वो पाई जाती है यहाँ पर लीवर एंड रिपीट हुआ है वो स्कोपना डार्ट में पाए जाते हैं मलेरिया में जो कि आरबीसी में पाए जाते हैं। स्कोपना डार्ट पाए जाते हैं यहाँ पर मलेरिया में। यहाँ पर मैच करना है और डेंगू होता है यहाँ पर क्यूलेस के द्वारा, एडीज के डेंगू और यहाँ पर ग्लोसिना कालाजार, ग्लोसिना पापिली कालाजार और यहाँ पर ग्लोसिना, तो यहाँ पर होगा सबसे पहले जो पहला वाला मिला है पहला डेंगू है यहाँ पर एडीज के द्वारा, कालाजार फ्लेम्बिटोबर्स एलिफेंटिस क्यूलेक्स क्यूलेक्स और स्लीपिंग साइकनेस ग्लोसिना, स्लीपिंग साइलेंस ग्लोसिना है, रहो डेंगू वाला है यहाँ पर एडीज पहले का दूसरा, और फैटिगू क्या है फैटिगू एलिफेंट है क्यूलेक्स और कालाजार फ्लेम्बिटोमर्स स्लीपिंग साइकनेस होगा यहाँ पर ग्लोसिना। तो यहाँ पर कोड बना लें, कोड क्या क्या है, कोड पहले का दूसरा दो, दूसरे का चौथा चार, तीसरे का पहला एक, चौथे का तीसरा, चौबीस तेरह ऑप्शन बी इज करेक्ट। मलेरिया पेशेंट और इसको अपना ग्रानुलाधार फाउंड इन इसको अपना पाए जाते हैं आरबीसी में।
आरबीसी में पाए जाते हैं या फिर रेड सेल्स। तो यहाँ पर आरबीसी में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है स्कोपनर डार्ट, आरबीसी में स्कोपनर डार्ट पाए जाते हैं, और लीवर साइजोगोनी लीवर में पाई जाती है, लीवर साइजोगोनी लीवर में पाई जाती है, और यहाँ पर साइनेट लिगनेट सिग्नेट रिंग पाई जाती है यहाँ पर आरबीसी में, और साइजेंट भी पाई जाती है नॉन पिगमेंट साइजेंट जो है नॉन पिगमेंट साइजेंट है नॉन पिगमेंट फार्मेडिन और लीवर साइजेंट होती है नॉन पिगमेंट लीवर में बनती है जो कि इन्फेक्शन और प्रोटोजोआ बनते हैं। और यहाँ पर साइजेंट लीवर और आरबीसी दोनों में पाई जाती है, लीवर सेल और यहाँ पर लीवर सेल साइजेंट पाई जाती है लीवर साइजोगोनी और एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी जो कि क्रिप्टोजोआ बनते हैं लीवर में, और स्पोरोजोआ बनते हैं साइजेंट इसमें। यहाँ पर लीवर में स्पोरोजोआ बनते हैं क्रिप्टोजोआ, लीवर सेल में यहाँ पर साइजोगोनी होती है जो लीवर साइजोगोनी से क्रिप्टोजोआ बनते हैं, और यहाँ पर आरबीसी जो है एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी से बनते हैं स्पोरोजोआ। स्लीपिंग साइकिनर काज इन मैन बाई स्लीपिंग साइकिनर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ है, अच्छा काज बता रहा है बैक्टर, तो स्लीपिंग साइकिनर तो है टेपनोसोमा के द्वारा पॉलीमर काजी वजेंट ऑफ डाइसेंट्री एंटीवा हिटोलाइट का जो कॉलन में पाया जाता है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसमें यहाँ पर मेडिसिन ये यूज की जाती है नाइट्रो और यहाँ पर टेनिजोजल मेट्रोनिटोजोल ये सारी मेडिसिन है। काला जार ट्रांसमिट बाई बाउशियर या सेंट फ्लाई जिसका नाम है प्लेम्बिटोमाउस लेशमानिया डोनोमानी बीच आर द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोआ फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज द गम्स जिंजिविलिस एंटीवा जिंजिविलिस चगास डिसीज इज कॉज्ड बाई ट्रेपनोसोमा क्रूजी जो सोरा डिसीज भी ट्रेपनोसोमा क्रूजी के द्वारा होती है। बीबी पेटी जो है वो कहाँ पाई जाती है, बीबी पेटी पाई जाती है यहाँ पर और बैक्टीरिया में बीबी पेटी पाई जाती है। स्लीपिंग साइकिनर मैज काज बाई ट्रेपनोसोमा ग्लोसिना पापिली बैक्टर ऑफ सीसी फ्लाई का नाम है ग्लोसिना पापिली, इसका जो है ट्रेपनोसोमा का एक बैक्टर है। डिसीज कार्ड बाय द लेशमानिया डोनोवानी कालाजार लेशमानिया के द्वारा कालाजार आल्सो कार्ड डमडम फेवर कालाजार डमडम फेवर ब्लैक फेवर भी कहते हैं इसे। इसके लिए सेकेंडरी बोन मैरो और यहाँ पर इंटेस्टाइनल बिली में भी इंफेक्शन करता है। यहाँ पर मैच करना है तो यहाँ पर ब्लड डाइसेंट्री एंटीबायोटिक कहीं पर है दो नंबर पर तो दो हो गया, और उसके बाद फाइलेरिया किससे होती है बैक्टीरिया से तो यहाँ पर चार हो गया, डाइहेंड होता है इकाइनोकोकस से तीन हो गया, एक हो गया, और उसके बाद कालाजार लेशमानिया तीन हो गया, चौबीस तेरह आंसर बी सी सही होगा इसका। मलेरिया फेवर इज कॉज्ड बाय टॉक्सिक सबस्टेंस रिलीज बाय पैथोजन, यहाँ पर होगा हीमोजिन आंसर सी सही होगा जो कि टॉक्सिक प्रोटीन जो होता है
रप्चर होती है आरबीसी, पिगमेंटेड आरबीसी होती है वो रप्चर होती है, जिससे टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है और जिससे सिवरिंग होती है पेशेंट में और तेज बुखार आता है कफ कपी के साथ, तो उसे हीमोजेन रिलीज होता है टॉक्सिक सब्सटेंट, जिससे आरबीसी को जो अमीबा खाता है, ट्रोकोजॉइट अमीबा का आरबीसी को खाता है तो अंडाइजेट मटेरियल जो बनता है पिगमेंटेड होता है, तो आरबीसी का पिगमेंटेड जो मटेरियल बनता है अंडाइजेट मटेरियल हीमोजेन होता है वो टॉक्सिक होता है। इन मलेरिया चिल्स एंड सीवरेज द काज बाय द रिलीजिंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजेन इनटू ब्लड द आरबीसी रप्चर। मलेरिया इज काज बाय द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम विच इज ट्रांसमिट बाय द वेक्टर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये लाइन है इम्पोर्टेंट, ये विच आर द फॉलोइंग इज द काजिंग एजेंट ऑफ द अफ्रीकन हाइपलिक साइनस, तो यहाँ पर होगा सीसी फिलाई, इसका नाम है वैज्ञानिक और जूलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पापिली। विच आर द फॉलोइंग इज कार द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन जियार्डिया। डेंगू फीवर काज्ड बाई डेंगू फीवर कोलेक्स के द्वारा होगा, कोलेक्स यहाँ पर नहीं, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के द्वारा डेंगू फीवर क्या होगा, मलेरिया होगा यहाँ पर चार ऑप्शन गलत है। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के द्वारा यहाँ पर मलेरिया होता है, यहाँ पर डेंगू फीवर कहाँ होता है, इसकी फिलहाल गूगल करके देख लें, कन्फ्यूजन है। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के द्वारा होता है मलेरिया, डेंगू फीवर नहीं होता, इसके क्यूलेक्स के द्वारा होता है फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल ऑप्शन ई सही होगा, यहाँ पर ई बना दे रहा हूँ मैं, फीमेल क्यूलेक्स वो डेंगू, यहाँ पर एडीज के द्वारा होता है, एडीज मच्छर फीमेल एडीज मच्छर के डेंगू द्वारा। जो कि वायरल होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टेज दी है मलेरिया वोबाली प्राइम बाथ बॉक्स और साइजान, यहाँ पर प्रायोरिटीली 13 मलेरिया होती है यहाँ पर, 13 ब्लाई मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, और सबसे ज़्यादा टाइम होता है बेयर द मलेरी क्वार्टन मलेरिया होती है, जिसका ज़्यादातर 72 घंटे होता है इनक्यूबेशन पीरियड। इन्फेक्टिव टेज रॉन्ग होता रहा, कौन सा है, इंडोमिक्सिस पैरामिक्सियम सही है, इग्लिना इंडोमिक्सिस, इंडोमिक्सिस जो पैरामिक्सियम सही है, इंडोमिक्सिस पैरामिक्सियम इग्लिना मोक्सोट्रोपिक सही है, मोनोसिस्टिस स्लीपिंग साइकिनाइज रॉन्ग है, हाइड्रेंट नेमेटोसिस्ट सही है, तो आंसर हमारा सी सही होगा, जो बता रहा है मिसमैच है वो है आंसर सी, इम्यूनोसिटिस जो होता है यहाँ पर ट्रोकोजॉइट है ये और स्पोरोजॉइट और यहाँ पर स्लीपिंग साइन है टेक्नोसोमा की होती है। डेंगू बता रहा है, मैंने बताया था एडीज मच्छर के द्वारा, एडीज डेंगू फीवर स्प्रेड बाई एडीज मच्छर। मार्कर मैरिज कार्ड डोरिंग नाइल इंस्टीट्यूट पेरीफेरल ब्लड की पेरीफेरिटेज है। अफ्रीकन साइफिलिंग काज बाई ट्रेपनोसोमा गैम्बियंस, अफ्रीकन साइफिल ट्रेपनोसोमा गैम्बियंस, बीच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर होगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ट्रांसमिट द चगार डिसीज प्रूव, चगार डिसीज होगा टायोटा में, चगार डिसीज जो है ट्रांसमिट बाई टायोटा, पर ट्रेपनोसोमा क्रूजी के द्वारा होती है जो कि ट्रांसमिट होती है टायोटो के द्वारा। एलो फीवर होती है एडीज मच्छर के द्वारा और जो कि फीमेल एडीज के द्वारा वायरल इन्फेक्शन होता है।
क्वार्टन मलेरिया इज कार्ड बाई क्वार्टन मलेरिया होती है यहाँ पर, और प्लाज्मोडियम यहाँ पर प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा। 72 हर्ट इसका टाइम होता है, 72 हर्ट इनक्यूबेशन पीरियड सबसे ज़्यादा, भी ज़्यादा फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिविन हार्मफुल इंसेक्ट करेक्ट कौन सा, सीसी प्लाई स्प्रेड काला जार गलत है, पहला तो रॉन्ग है, सेंड प्लाई स्प्रेड द स्लीपिंग साइकनेस ये भी रॉन्ग है, सेंड प्लाई काला जार, ट्राइकोनिम्फा सिम्बायोटिक प्रोटोजन फाउंड इन द कट ऑफ परमाइट ये सही है, आंसर हमारा जो मैं सही है वो भी है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। वेक्टर ऑफ एलिफेंटिक क्यूलेक्स होगा, फीमेल फीमेल क्यूलेक्स फीमेल क्यूलेक्स फीमेल क्यूलेक्स इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम काज वन मैलिग्नेट टेटेरियम मलेरिया, मैलिग्नेट पेल्सिफेरम मैलिग्नेट सेरिब्रो सेरिब्रल मैलिग्नेट सेरिब्रल ब्लैक फेवर, और यहाँ पर ब्लैक फेवर मैलिग्नेट पेल्सिफेरम सेरिब्रल सेरिब्रल मलेरिया मैलिग्नेट मलेरिया ब्लैक फेवर ये सारे इसी के काम होते हैं पेल्सिफेरम के द्वारा। यहाँ पर मलेरिया दिया गया है, देखो यहाँ पर ट्राइटेरियन मलेरिया और बिनाइन मलेरिया ये दोनों होते हैं बाईवॉक्स के द्वारा, मैलिग्नेंट मलेरिया ओवाली के द्वारा होता है, मैलिग्नेंट ट्रटिन मलेरिया और ओवाली मलेरिया ओवाली के द्वारा होता है प्लाज्मोडियम, सब ट्रटिन मलेरिया प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम, एस्टिवो ऑप्टोमल मलेरिया प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम, मैलिग्नेंट ट्रटिन मलेरिया पेल्सिफेरम, सेरिब्रल मलेरिया पेल्सिफेरम, ब्लैक फेवर ब्लैक वाटर फेवर पेल्सिफेरम, ये 5 फेवर होते हैं, 5 मलेरिया टाइप जो पेल्सिफेरम के द्वारा होते हैं, और सिंगल होता है यहाँ पर क्वार्टन मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बाय द ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ग्लोसिना, प्लाज्मो बाउचेरिया काज द फाइलेरिया रिजल्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ लिम्फ ग्लैंड, सेंड फ्लाई ट्रांसमिटेड पैथोजन ऑफ सेंड फ्लाई काला जार, सेंड फ्लाई है काला जार इज कॉज्ड बाई काला जार इज कॉज्ड बाई सेंड लेशमानिया दोनों बने लेशमानिया दोनों बने। काला जार कॉज्ड बाई लेशमानिया दोनों बने TGT यहाँ पर बायोलॉजी 2011 में आया, 1991 में यहाँ पर फिर 94 आया, काला जार ट्रांसमिट बाई फिलेम्बिटोमस कितनी घुमा घुमा कर पूछा, काला जार कॉज्ड बाई सेंड फ्लाई 2015 और दिल्ली डीटरपल एसबी बायोलॉजी PGT वेक्टर ऑफ काला जार काज डिफीज फिलेम्बिटोमस, कोलोसिना पाबिली जूलॉजिकल नेम ऑफ सी सी प्लाई यहाँ पर जूलॉजिकल नेम है कुछ वेक्टर है, पोरीफेरा बीच ऑफ द बालों मोस्ट डिस्टिंग करेक्टर ऑफ पोरीफेरा कोनोसाइट्स, बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म फाइलम पोरीफेरा, और दे आर द यहाँ पर पहला सही है ये भी सही है ये रॉन्ग है बाकी सारे सही है, तो आंसर हमारा सही होगा। और यहाँ पर
ऑल द ऑप्शन करेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा, यहाँ पर पोरीफेरा बेयर सारे करेक्टर सही हैं, तो उसमें कोई भी यहाँ पर इसके बारे में कोई रॉन्ग नहीं है, सारे सही है, तो यहाँ पर आंसर सारे सही होंगे, सारे सही हैं, यहाँ पर कोई रॉन्ग नहीं है इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर पोरीफेरा में ओस्टिया कार्कुलम होता है, स्पंज भी कहते हैं इसे, असिलोमेट होता है, और इधर यहाँ पर ओवीपेरा नॉट, और यहाँ पर ओवीपेरा सारे तरीके हैं, तो हर्जगिन आंसर दिस ऑप्शन डी, क्वेश्चन इज डी सही होगा, यहाँ पर दे आर ओवीपेरा या ओवीपेरा, तो यहाँ पर सारे सही होंगे आंसर, यहाँ पर जो है कॉमन था, कॉमन नंबर था, यहाँ सारे ऑप्शन सही होंगे, कोई रॉन्ग नहीं है। पावर ऑफ रीजनरेशन ये आर्चियो साइट में पाया जाता है, जो कि मॉडिफाइड यहाँ पर होती है। अच्छा, पावर ऑफ रीजनरेशन स्पंज ड्यू टू द आर्चियो साइट होगा यहाँ पर, वो अमीबो साइट जो कि मॉडिफाइड होती हैं आर्चियो साइट, अगर अमीबो साइट ऑप्शन नहीं होता तो आर्चियो साइट लगाते, क्योंकि जो आर्चियो साइट हैं और थीजो साइट हैं ये सारी अमीबॉइड सेल होती हैं, अमीबो साइट जब अमीबो साइट सेल ऑप्शन है तो वहीं लगाएंगे, अगर अमीबो साइट नहीं होता तो लगाते हैं सी वाला। क्विनोसाइड आर द कलर सेल्स फाउंड इन द एनिमल विच फाइलम सेलेंटेटा, वो पूरी करा। क्विनोसाइड्स आर द कलर सेल आर फाउंड इन विच एनिमल, अपोपाइल्स आर, जो अपोपाइल्स होती है वो क्या होती हैं, ओपनिंग ऑफ अपोपाइल्स होती हैं, यहाँ पर ओपनिंग ऑफ इनकरेंट कनाल एंड रेडियल कनाल, आंसर सी सही होगा इसका, वो ओपनिंग ऑफ रेडियल कनाल इनटू स्पंजोसील, अपोपाइल होता है ओपनिंग ऑफ रेडियल कनाल स्पंजोसील में। सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिसा स्पाइकल इज फाउंड इन, आंसर डी इज एक्टिवेटेड फ्रॉम द स्पंज फ्रॉम सी वाटर, स्पंज आर डिप्लोब्लास्टिक, 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 एम्फीब्लाट्रा लार्वा पाया जाता है, एम्फीब्लाट्रा पाया जाता है स्पंज में, और ये लार्वा है, ये लार्वा है यहाँ पर साइकान का। पैरन कैमुला पाया जाता है यहाँ पर लेवकान, और पैरन कैमुला पाया जाता है, पैरन कैमुला लार्वा पाया जाता है साइकान लिकोसोलिनिया का, साइकान का पाया जाता है, एम्फीब्लाट्रा, एम्फीब्लाट्रा और पैरन कैमुला, एम्फीब्लाट्रा पाया जाता है यहाँ पर लिकोसोलिनिया का, वो एम्फीब्लाट्रा पाया जाता है साइकान का, और लिकोसोलिनिया का पाया जाता है पेरेन कैमुला, यहाँ पर लार्वा फार्म है स्पंज में, ये दो तरीके पाए जाते हैं, ये पैर ये हाइड्रा ये स्काइफायरा सिलेंटिन में पाया जाता है मेरा, ये काइनोडहलमिन तीन में पाए जाते हैं, ये काइनोडर्मेट में ये पाए जाते हैं। टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन लिकोसोलिनिया में पाया जाता है सिंपल टाइप कैनाल सिस्टम, अस्कान टाइप, टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन लिकोसोलिनिया, क्या रिपीट हुआ क्या, रेगान टाइप लार्वा में पाया जाता है यहाँ पे स्पोंजिला के, स्पोंजिला के जो लार्वा में पाया जाता है, साइकान स्काइफा में पाया जाता है, लेकोन टाइप और लेकोन टाइप और रेगान टाइप पाया जाता है स्पोंजिला में, स्पोंजिला में पाया जाता है लेकोन टाइप, लिकॉन्टा, और यहाँ पर यंग जो होता है लार्वा पम रेगन स्पोंजिला के जो लार्वा में पाया जाता है रेगन टाइप और लिकॉन टाइप पाया जाता है स्पंज एडल्ट स्पोंजिला में। इन बीच टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम स्पंज आर स्पंजोसील लाइंड बाय कोनोसाइट, तो इस तरीके से होता है यहाँ पर स्कान टाइप में,
ये हो चुका है। इन बीच टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम फाउंड इन द स्पंजोसील लैंड बाय कॉनोसाइट साइक्लोन टाइप फॉलोइंग स्पाइकल आर फाउंड। तो इनमें से स्पाइकल किस में पाए जाते हैं? स्पंज में पाए जाते हैं स्पाइकल स्पंज में पाए जाते हैं और हर प्लेक्टेला में पाया जाता है। तो ए और सी दोनों से होगा क्योंकि प्लेक्टेला भी स्पंज है। यू प्लेक्टेला में सिक्स पाए जाते हैं पॉइंटेड स्पाइकल्स। विच आर द फॉलोइंग एनिमल आर स्पंज। द फॉलोइंग एनिमल आर द स्पंज तो यहाँ पर होगा स्पंज। यहाँ पर हैली इकारिया और ओसिकल है, ये दोनों स्पंज है। ये ज़्यादा पा रही है स्पंज लाग द स्पाइकल्स बट द हैज स्केलेटन स्पंजिन फाइबर। तो स्पंजिन फाइबर होगा फाइलोजेनेट स्पंजिया में पाया जाएगा। यहाँ पर स्पंजी स्पंजिया बट नॉट फाइलोजेनिया, फाइलोजेनिया बट और नॉट स्पंजिया। तो आंसर सही होगा यहाँ पर बी वाला। पर स्पाइकल लाख हैं वो उसमें कौन सा है? तो यहाँ पर बी सी होगा स्पंजिया बट नॉट फाइलोजेनिया, फाइलोजेनिया बट नॉट स्पंजिया। आंसर सही होगा ए और बी दोनों, आंसर सी सही होगा यहाँ पर। स्पंज ओरिजिनल है स्केलेटन, तो यहाँ पर होगा आंसर ए और सी चेलेना और इफिडेटिया। चेलेना और यहाँ पर फाइलोजेनिया, चेलेना और फाइलोजी स्पंजिया। अब द फॉलोइंग विच फाइटो रिमेन एसोसिएटेड विद द फाइलोनेमा। फाइटो पैलिट हुआ है जो कि यहाँ पर जूफाइट होता है जो कि रिमेन होता है सबसे हाइलोनेमा से। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ द स्टोरेज रिजर्व फूड इन स्पंज थीजोसाइट। बात स्पंज है जी, तो बात स्पंज है यू स्पंजिया। विच स्पंज डिटरमाइन द पर्ल इंडस्ट्रीज सेवना। एग्जाम्पल ऑफ द पोरीफेरा इज, तो एग्जाम्पल है पोरीफेरा साइकॉन। विच पोरीफेरा यहाँ पर है एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा इज साइकॉन। रिपीट हुआ क्या जी? पी जी टी बायोलॉजी 2015 में आया जी, यहाँ पर आया लेक्चरल। विच सेल फाउंड इन स्पंज ओनली कोनोसाइट्स। मीजोफिल इज फाउंड इन, मीजोफिल किस में पाया जाता है? मीजोफिल पाया जाता है यहाँ पर पैराजुआ में। फ्रेश वाटर स्पंज इज यू स्पंजिया, वो स्पंजिला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पंज सेवना, वो प्रोटोजोआ स्पंजिया है, वो स्पंज नहीं है, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कड़ी है। खिलौना होता है पर सेवना नहीं होता, ये खिलौना होता है सेवना नहीं होता स्पंज। फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ स्पंज आर पैरेन्काइमला लार्वा, जो कि पाया जाता है इस लिकोसोमिया का। फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ स्पंज नाउन है पैरेन्काइमा। यहाँ पर टोटिपोटेंट पाई जाती है आर्चियोसाइट में, अगर आर्चियोसाइट में होता तो होमियोसाइट ऑप्शन सही होगा, आंसर सही होगा ए। इनका काम क्या है? स्पंज विच इज फॉलोइंग अमीबोसाइट्स मॉडिफाइड बाय द स्टोरिंग फूड थीजोसाइट। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल स्टोरेज रिजर्व फूड थीजोसाइट।
बीच स्पाइकल फाउंड इन द गेमोल ऑफ स्पोंजिला, स्पोंजिला के गेमोल में पाए जाते हैं यहाँ पर मोनोजॉन स्पाइकल्स। लिक्वन टाइप जो पाया जाता है, लिक्वन टाइप पाया जाता है स्पोंजिला के, स्पोंजिला में एडल्ट लार्वल स्टेज में पाया जाता है। वैगन टाइप पाया जाता है लार्वा में स्पोंजिला के, और लिक्वन टाइप पाया जाता है स्पोंजिला में कहना सकते हो। फर्टिलाइजर इन फर्टिलाइजेशन इन स्पंज इंटरनल होता है, स्पंज इंटरनल होता है इंटरनली मीजिन का। फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होता है अगर इंटरनल होता है साइकान में, जो कि होता है इंटरनली मैट्रिक्स में मीजिन का में। स्पंज बेयर द क्लासिफाइड विद प्लांट टिल द डिस्कवरी आप टेल द डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द देयर बॉडी। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कैपेबल ऑफ द गिविंग राइज टू अदर टाइप ऑफ द स्पंज। अमीबोसाइट नहीं है तो आर्थ्रोसाइट होगा, क्योंकि अमीबोसाइट सेल होती हैं वही आर्थ्रोसाइट होती हैं। विच आर द फॉलोइंग टाइप कैपेबल, यहाँ पर यही क्वेश्चन है क्या 99 का डबल हुआ। विच आर द फॉलोइंग फीचर इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन द स्पंज, तो यहाँ पर स्पंज फाइबर और सभी स्पंज में पाया जाता है लगभग स्पंजोसील, सभी पॉलीफेयर में पाई जाती है। स्पाइकल आर स्पंज फाइबर फॉर्मड बाई और स्क्लेरोब्लास्ट या फिर कैलकुलोब्लास्ट, यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर हैं। स्क्लेरोब्लास्ट स्पंजनोब्लास्ट स्केलरोब्लास्ट स्पंजियोब्लास्ट स्लेसोलोब्लास्ट और स्पाइकल सारे इसी प्रोसेस बनते हैं। पैरागेट्रिक कैविटी या नॉर्दर्न नेम ऑफ स्पंजोसील, स्पंजोसील। फ्लैजेलेट स्पंज फ्लैजेलेट स्पंज आर कॉल्ड कोइनोसाइट। डायमीटर ऑफ ऑस्टिया स्पंज इज रेगुलेटेड बाई मायोसाइट, मायोसाइट मायोसाइट स्पंज डायमीटर आप ऑस्टिया रेगुलेटर मायोसाइट मायोसाइट मायोसाइट। यहाँ पर जो सिक्स रे स्लीपर्स और कैरियर पाए जाते हैं, डेमो स्पंजी स्पंजी फाइबर पाए जाते हैं और स्क्लेरो स्पंजी में स्पंजी फाइबर पाए जाते हैं एंड स्पाइकल पाए जाते हैं। यहाँ पर कोड मिलाना, अच्छा कोड मिलाना था यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले का हो गया है चौथा कैलकेरिया अग्रीनोट। यहाँ पर मैच है ये कैलकेरिया हाउस और यहाँ पर लिस्ट है ये कैलकेरिया हाउस जो पाया जाता है अग्रीनोट, कैलकेरिया अग्रीनोट स्पंजिया डेमो स्पंजिया स्पंजियन फाइबर स्केलोरोब्लास्ट स्पंजिन फाइबर और हेक्सडैक्टिला सिक्स रेस सिलिसा स्पाइकल्स। विच आर द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिसेंडिंग हायरार्चिकल टेक्जा विल क्लासिफाइड साइकान, तो साइकान का यहाँ पर टेक्जा है पैराजवा स्पोरिफेरा और कैलकेरिया। एंसर डी देगा पैराजुआ पोरीफेरा, पैराजुआ पोरीफेरा कैलकेरिया। पैराजुआ पोरीफेरा कैलकेरिया आंसर डी सही है। ए स्पंज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट्स, क्योंकि कोइनोसाइट इसमें पाई जाती है और किसमें नहीं पाई जाती स्पंज के अलावा। ल्यूकोसोनिया बाप द फॉलोइंग ल्यूकोसोनिया बिलोंग टू द बिच क्लास कैलकेरिया, और ल्यूकोसोनिया और क्या कहते हैं उसे और साइकान दोनों यहां पर इसी क्लास से बिलोंग करते हैं कैलकेरिया से। इनका ऑर्डर थोड़ा भिन्न होगा, इसका
ऑर्डर जो है होमोफिला होता है लिकोसोलिनिया का, और उसका जो है हेटरोफिला होगा साइकान का ऑर्डर। प्रिंसिपल सेल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी वाल ऑफ द लिकोसोलिनिया आर, तो प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल टाइप सेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिकोसोलिनिया पिनेकोसाइट कोनोसाइट पिनेको पोरो एंड अमीबो साइट्स। ये आंसर एक सही है। प्रिंसिपल सेल टाइप यहाँ पर रिपीट हो गया। फनाइल्स कैनाल सिस्टम पाया जाता है लिकोसोलिनिया में। साइकान है, साइकान भी टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, साइकान में साइकान टाइप पाया जाता है। और यहाँ पर ये साइकान है, द फ्लो ऑफ वाटर इन साइकान टाइप कैनाल सिस्टम जो कि साइकान में पाया जाता है, उसमें पाया जाता है यहाँ पर डर्मल ओस्टिया प्रोसोपाइल अपोपाइल और आस्कुलम। आंसर सी सही होगा। हालो ब्लास्टुला फाउंड इन, तो हालो ब्लास्टुला साइकान इज एम्फी ब्लास्टुला। कोनोसाइट जो फाउंड इन, तो कोनोसाइट किस में पाई जाती है साइकान में। वाटर फ्लावर वाटर इन कैनाल सिस्टम फॉलोइंग, तो यहाँ पर बताया था अभी डर्मल ऑस्टिया प्रोसोपाइल अपोपाइल एंड ऑस्कुलम। कोनोसाइट पाई जाती है यहाँ पर साइकान में, कोनोसाइट आज फाउंड इन। स्पाइकल पाए जाते हैं साइकान में क्योंकि पोलीफेरा है साइकान, साइकान और यहाँ पर होगा डी वाला आंसर साइकान एंड यूस्पंजिया। यू स्पंजिया में नहीं पाए जाते, सॉफ्ट यहाँ पर स्पंज है, साइकान में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इन साइकान, फर्टिलाइजेशन इन साइकान टेक प्लेस इन हो जाएगा यहाँ पर कोनोसाइट, अगर कोनोसाइट ऑप्शन नहीं होता तो होता यहाँ पर अमीबोसाइट इन मीजेनकाइम, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मीजेनकाइम होता इंटरनल मीजेनकाइम इंटरनल होता है मीजेनकाइम में। क्योंकि इसमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है, प्रोटोगाइनी कहती है इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और वो भी होता है मीजेनकाइम में, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीजेनकाइम में होता है क्योंकि प्रोटोगाइनी होती है फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो जाते हैं यानी ओवा ओवम पहले डेवलप हो जाते हैं या ओवरी। ओलेंथस इट्टे सीन इन साइकान, और यहाँ पर साइकान में और लिकोसोलिनिया दोनों में दिखाई देती है ओलेंथस इट्टे जब यंग होती है तब। ओलेंथस इज अ सिंपलर नॉट टाइप ऑफ द स्पंज, इट इज अ सिंपलर टाइप कैनाल सिस्टम अस्कान टाइप जो कि लिकोसोलिनिया में पाया जाता है। निडेरिया यानी सिलेंटेटा द कोलर रीफ इज फॉर्मेड बाई कोलली मोलस्कन से बनती है वो सिलेंटेटा जैसे निडेरिया कहते हैं। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री इनवर्टिब्रेट एनिमल और इकाइनोडर्मेटा और पोलीफेरा, इकाइनोडर्मेटा पोलीफेरा और निडेरिया। रेडियल सिमेट्री इन्वर्टिब्रेट बता रहा है, रेडियल सिमेट्री इन्वर्टिब्रेट, रेडियल सिमेट्री निडेरिया में मोस्टली पाई जाती है और यहाँ पर पोलीफेरा में भी पाई जाती है। द
जो कि टिश्यू बता रहा है केवल, मगर सेलुलर लेवल रेडियल सिमेट्री सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है। यहाँ पर टिश्यू की बात कर रहा है इसलिए निटेरिया सही होगा, सेलुलर लेवल बात करता तो होता पोरीफेरा, और टिश्यू ग्रेड के द्वारा बात करता तो इकानोडर्मेटा सही होता। विच टाइप ऑफ सिलेंटेट, विच इज सिलेंटेट, तो सीफेन एक सिलेंटेट है। यहाँ पर मैच करना है पहले का यहाँ पर सही होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। सिलेंटेड के एग्जाम्पल है सी फैन, सी एनिमोन और हाइड्रा, सी पेन, सी फैन, सी पेन और हाइड्रा, सी पेन, सी एनिमन और सी फैन, ये सारे जो हैं सिलेंटेड हैं। पेलियम म्यूसिल होता है और रोपेलियम ओबेलिया में पाया जाता है, नोपेलाना में मैमल है, नेपेलाना यहाँ पर मोनोक्लिफोरा है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोरल रीफ, तो लेगून, लेगून टाइप कोरल रीफ नहीं होते, अटाल, फ्रिंजिल, बैरियर रीफ, ये सब होते हैं, मगर यहाँ पर लोगोन है। बीच ऑफ द फॉलोइंग फीचर अप्लाई मेडिटेरियम मेंटीडियम, तो मेंटीडियम यार, इट हैज नो स्केलेटन, इसमें स्केलेटन नहीं पाया जाता है, आंसर डी सही होगा, इसमें स्केलेटन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजोआ का क्लास है गैस्ट्रोकैविटी पाई जाती है सिक्स, तो प्राइमरी मेंटीडियम है बता रहे, मगर इसमें स्केलेटन नहीं पाया जाता है, स्केलेटन सिस्टम। देयर इज नो सी एनिमल को कहते हैं मेंटीडियम, सी फैन, सी एनिमोन और सी फैन, सी पैन, ये सारे सिलेंटेड हैं। बेरिलियम इज द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद अरेलिया आर एंड बेरिलियम है, बेरिलियम जो स्ट्रक्चर है अरेलिया से संबंधित है और किससे संबंधित है, वो है अनलाइक ट्रू बीलम ऑफ हाइड्रोजोन मेडुसा, अनलाइक यहाँ पर ट्रू बीलम द हाइड्रोजोआ मेडुसा इट कंटेंट अ एंडोडर्मल सेल। तो यहाँ पर बेरिलियम स्ट्रक्चर है वो संबंधित एरिया से, और अनलाइक द ट्रू बीलम ऑफ हाइड्रोजोआ मेडुसा इट द कंटेन डर्मल सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द फाइलम का डेटा बिलोंग टू द सब फाइलम हेक्सो कोरेलिला ऑफ द क्लास एक्टिनोजोआ, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग बता रहा है इंडिविजुअल ऑफ फाइलम सिलेंटेटा बिलोंग टू द सब क्लास हेक्सो कोरेला ऑफ क्लास एक्टिनोजोआ, तो आंसर बी सही हुआ। यहाँ पर आर्टिकुला आर्टिसिनिया जोएंथस इडवर्सिया, ये सारे इंडिविजुअल हैं जो फाइलम फाइलम सिलेंटेटा से बिलोंग टू हेक्सो कोरेला और क्लास एक्टिनोजोआ, सब क्लास हेक्सो कोरेला और क्लास जो है एक्टिनोजोआ, यानी कह सकते हैं यू जेड ई आर्टिसिनिया जोएंथस एडवर्स एडवेंसिया एडवर्डसिया UJE। बीच ऑफ द फॉलोइंग कोरल एग्जाम्पल ऑफ द सोलेट्री कोरल, बी सही होगा, फंजिया सोलेट्री कोरल एग्जाम्पल है, सॉफ्ट कोरल भी कैसे कह सकते हैं, कॉमन नेम ऑफ फंजिया या फंजिया मशरूम कोरल। डेवलोबलाटिक आसिलोमेट कंडीशन फाउंड इन सिलेंटेट, और सिलेंटेट सी एनिमोन, सी फैन,
और सी फैन, सी फैन एनिमोन माइंडेड टीम को कहते हैं सी एनिमोन, सी फैन, सी पैन, ये सारे जो हैं सीलेंटेट है। डिप्लोबिलाटिक आसिलोमेट पाए जाते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था उनमें, ओरिफेरा में इसमें यहाँ पर है। तो आसिलोमेट कंडीशन कितनी में पोरीफेरा सिलेंटेटा में और टीनोफेरा में पाई जाती है। डिप्लोबिलाटिक आसिलोमेट रिलेटी एलिमेंटीज हैं सीटोसिलोमेट और डिप्लोबिलाटिक, कौन कौन से सिलोमेट एनिलीडा, एनिलीडा कारेटा सीटोसिलोमेट। डिप्लोबिलाटिक एनिमल कौन कौन से, प्लेटी एलिमेंटीज, अस्की एलिमेंटीज और कारडेटा, जो कि कारडेटा एनिलीडा सीलोमेट होते हैं, सीटोसिलोमेट अस्की एलिमेंटीज असीलोमेट होते हैं प्लेटी एलिमेंटीज। डिप्लोबिलाटिक टेज ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल तो अभी बताया था, सिलेंटेटा एलिमेंटीज, डिप्लोबिलाटिक एलिमेंटीज सिलेंटेटा में डंप आ जाती है डिप्लोबिलाटिक। बीच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम तो सिलेंटेटा, वो नेमेटोसिस्ट की बात करें सिलेंटेटा, सिलेंटेटा एग्जांपल हाइड्रा। बोवेन टाइप पाई जाती हैं, पेनेट्रेट टाइप पाई जाती हैं, स्टेलियोग्लिथिन टाइप, एस्ट्रोपो स्टेप्टो, स्टेप्टो लाइन होती है, स्टेप्टो लाइन टाइप, स्टेप्टो लाइन ग्लूटिनिन और स्टेप्टो फ्रोइन ग्यूटेटिंट, इस तरीके पाई जाती है। बोवलेंट टाइप, पेनेटेंट टाइप, नेमेटोसिस्ट जाती है बोवलेंट टाइप, बोवलेंट टाइप, पेनेटेंट टाइप और स्टेरियो लाइन ग्यूटेटिंट और स्टेप्टोलाइन ग्यूटेटेंट टाइप आ जाती है नेमेटोसिस्ट हाइड्रा में। नेमेटोसिस्ट का यहाँ पर काम है फूड प्रे करना, ऑफेंस डिफेंस, फूड प्रे सर फॉर द अडेशन, ऑफेंस एंड डिफेंस। नेमेटोसिस्ट फाउंड इन सिलेंटेट। विच आर द फॉलोइंग कॉल द डेड फिंगर एस एक्रोलियम, डैश फिंगर, डेड मैन फिंगर। जनरल कटर से क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग ये नॉन पैरासिटिक एनिमल, पी लीच भी है, टेप बार्म भी है, मस्कीटो भी, सी एनिमल नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर इन सिलेंटेड, सही है। स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज रिप्लेस ईच अदर, ये रॉन्ग है, तो पहला सही होगा। बोथ ए बी आर करेक्ट ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी सही होगा यहाँ पर। ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट, आर इज वो ए एंड बी सही हुआ यहाँ पर, ए और बी दोनों सही है। अल्टरनेशन जनरेशन अकर सिलेंटेड, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट स्टेज रीच स्टेज रिप्लेस ईच अदर, हाँ एक दूसरे के बाद बदल देती हैं। गैमेटोफाइट भी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फिर गैमेटोफाइट, आंसर बी सही हुआ, ए और बी ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फीडिंग ज्वाइंट ऑफ ओबेलिया पॉलिप, कोलर दीप लाइन द क्लोज टू सोर ऑफ द सम बालकोनी आइसलैंड इज नाउन एस फ्रिंज रीप, कोलर दीप लाइन क्लोज टू सोर ऑफ द सम बालकोनी आइसलैंड इज कॉल्ड फ्रिंज लीप, जो कोलर लीप है सब यहाँ पर जो ज्वार भाटा के पास पाई जाती हैं तो उन्हें कहते हैं फ्रिंज लीप। नेडेरियंस क्या होते हैं, नेडेरियंस आर आसिलोमेट, आसिलोमेट और डिप्लोबिलाटिक एनिमल होते हैं।
यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ना है, बता रहा है कि रीड द स्टेटमेंट एंड करेक्ट आंसर गिवन द बिलो। पॉलीमॉर्फिज्म वेरी कॉमन इन अमंग द प्रोटोजोआ, सही है। दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म आउटकम ऑफ द लोअर डिवीजन, ये भी सही है। तो दोनों सही होंगे, पहला सही होगा। ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फाइलम सिलेंटेड, सी पेन, सी फेम, सी कोकुम्बर, नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। सी कोकुम्बर इकानोडर्मेट्स है, सी फीदर, सी पेन, सी ये सारे हैं मगर ये नहीं है, और सी कोकुम्बर इकानोडर्मेट है, सी फैदर, सी फेन, सी पेन, ये सारे इकानोडर वो सिलेंटेड हैं। बाट इज नेमेटोसिस्ट, नेमेटोसिस्ट ऑर्गन ऑफ ऑर्गन ऑफ ए पार्ट ऑफ सेल होता है, स्टिंग सेल होती है जिसे नेमेटोसाइट या नेमेटोसाइट कहते हैं, और कैच करती है फूड को। मेडूसा ऑफ ओवेलिया डिफर फ्रॉम द अरेलिया इन हैविंग टेंटाकल, रोपेलियम पाया जाता है मेडूसा अरेलिया का, उसमें पाया जाता है रोपेलियम अरेलिया के। मेडूसा ऑफ ओवेलिया डिफर फ्रॉम द अरेलिया इन हैविंग रोपेलियम। क्यों यहाँ पर बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बडिंग इज कॉमनली फाउंड, हाइड्रा में बडिंग द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ग्रीन कलर ऑफ द हाइड्रा इज ड्यू टू जूक्रोलोला, जो कि पाया जाता है जूक्रोलोला एडमेसिया, एडमेसिया। सिम्बायोटिक आश्रम पद्धति 2021 में आया था ये, और सिम्बायोटिक जो ग्रीन एलगा जो कोरेला पाया जाता है जिसका नाम एडेनेसिया हाइड्रा में, हाइड्रा के गट या फिर इंटेस्टाइन में इंट्रासेलुलर होता है। बेरिडिसिमिया, बेरिडिसिमिया हाइड्रा होता है वो। जिसे ग्रीन अलगा कहते हैं, ग्रीन हाइड्रा, और इंस्टूसूर और इंटेस्टाइनल बेनिफिशियल रेशम सिम्बायोटिक जुकोरोला, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस बेस्ट इल्यूमिनेटेड कार्बन डाई कंडीशन प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड यूजफुल नाइट्रोजन ऑयल हाइड्रा। फार्मेशन ऑफ गोनट्स इन द हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाई ऑक्सीजन की अबूडेंट ऑफ अबूडेंट ऑफ द ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड या बेल फूड। फार्मेशन ऑफ गोनट इन हाइड्रा, तो वहाँ पर अबूडेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वाट इज द नेम ऑफ स्विमिंग लार्वा, पेरेन्काइमुला, स्टेरियो गैटुला, दोनों होते हैं, तो यहाँ पर स्टेरियो पेरेन्काइमुला होगा। ये पेरेन्काइमुला लाइकोसोनिया का है, लाइकोसोनिया का, और स्टेरियो गैटुला है ये भी लाइकोसोनिया का है, और यहाँ पर जो पेनेलुला है ये है हाइड्रा का, तो आंसर सही बट डी। टेंटाकल हाइड्रा होते हैं यहाँ पर, कितने होते हैं, 6 से 10 होते हैं, तो आंसर सही होगा 6 से 10, यानी 8वीं बीच में आते हैं। 6 से 10 की बात कर रहा है तो 6 से 10 तो 8 बीच में आते हैं 6 और 10 के। गोनड इन हाइड्रा ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म्स, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर बाई मार्फोटैक्सिस, मार्फोलैक्सिस। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रा टिश्यू ग्रेड, सेलुलर ऑर्गेनाइज, सेलुलर लेवल होता है पोरीफेरा में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑन ग्रेड, सेलुलर ग्रेड प्रोटोजोआ, सेलुलर ग्रेड पॉलीफेरा,
टिशू गेट और निडोरिया इनसिलेंटेड और ऑर्गन गेट प्लेटिलमेटीज आसिलोमेट सेलुलर ग्रेड और यहाँ पर प्रोटोजोआ है आसिलोमेट पोरीफेरा आसिलोमेट निडोरिया सीटो और सीलोमेट प्लेटिलमेटीज सीटो सीलोमेट इसके एलिमेंट्री जो होता है सीटोसिलोमेट ये होता है यहाँ पर आसिलोमेट ए सी और प्रोटोजोआ भी आसिलोमेट होता है पोरीफेरा भी आसिलोमेट होता है ग्यूटेट है सेग्रेटेड बाई डेफनिया क्योंकि ये है क्रस्टेशिया और ये है यहाँ पर सबटेंड जो कि भोजन होता है हाइड्रा का हाइड्रा यहाँ पर ग्यूटेट है सबटेंड द्वारा पहचान लेता है अपने होस्ट को या शिकार को और भोजन की प्रस्तुति करने पर या फिर टच करने पर भोजन को उपलब्ध कराने पर या फूड को उपलब्ध कराने पर टच करने पर हाइड्रा जो है स्टिमुलेट नहीं होता है और यहाँ पर ग्यूटेट है सबटेंट होता है जो सेक्रेट होता है फिर एक द्वारा तो यहाँ पर वो स्टिमुलेट होता है। गैस्टुला हाइड्रा नॉमनेस जो गैस्टुला है हाइड्रा का उसे कहते हैं यहाँ पर सॉलिड गैस्टुला होता है हाइड्रा का वो सॉलिड होता है। पॉइजिनस फ्लूइड इन नेमेटोसाइट ऑफ हाइड्रा इज हिप्नोटॉक्सिन पॉइजिनस जो सबटेंट हिप्नोटॉक्सिन होता है जो बना होता है यहाँ पर प्रोटीन और पाइलोफायरन का प्रोटीन और पाइलोफायरन पॉइजिनस सबटेंट फाउंड इन नेमेटोसाइट ऑफ हाइड्रा यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा क्या नहीं दोबारा यहाँ पर वही हिप्नोटॉक्सिन हिप्नोटॉक्सिन पाइजिनस सबटेंट प्रोड्यूस बाय हाइड्रा नेमेटोसिस्ट बीच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नर्वस सिस्टम बट नॉट ब्रेन नर्वस सिस्टम होता है मगर यहाँ पर बाइपोलर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होती हैं मगर यूनी अनपोलर अनपोल जो है कंट्रक्शन होता है वन साइड पूरे शरीर में होता है एक साथ इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाता है एक साइड पर इम्पल्स होता है इम्पल्स पोलराइजेशन नहीं होता है क्योंकि इसमें ब्रेन नहीं होता है पोलराइजेशन नहीं होता है यहाँ पर लगातार इम्पल्स होता है शरीर से बाहर की ओर तो सेंटर से बाहर की ओर इसमें इम्पल्स होते हैं पोलराइजेशन नहीं होता है हाइड्रा हाइड्रा माउथ नहीं होता है ब्रेन नहीं होता है माउथ नहीं माउथ होता है हाइड्रा में ब्रेन नहीं होता है और एनस नहीं होता है। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट और टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट स्टार्च विच सेल ऑफ हाइड्रा कॉल द एम्ब्रियोनिक रिजर्व एम्ब्रियोनिक रिजर्व जो हाइड्रा की बात कर रहा है स्टार्च बीच हाइड्रा काल द एम्ब्रियोनिक रिजर्व एम्ब्रियोनिक स्टेटी सेल है यहाँ पर जो स्टेटी स्टील सेल है यहाँ पर रिजनरेशन पावर होती है जिसे टेटीपटी सेल कहते हैं। कंटेक्टाइल बाइकोल अब्सेंट इन हाइड्रा में नहीं पाई जाती बाकी सभी में पाई जाती है पैरामीशियम में पाई जाती है एंटीमोबा हिस्टोलिका में नहीं पाई जाती बाकी सभी में पाई जाती है ये इंटोपैरासाइड होता है इन्फेक्टिव टेज है एंटीमोबा हिस्टोलिटिका वहाँ पर होगा टेटानोक्लियस सिस्ट इन्फेक्टिव टेज है एंटीमोबा हिस्टोलिटिका आंसर दियो टेटानोक्लियस सिस्ट कुछ शुरू के क्वेश्चन थे छूट गए थे वो लाट में आ गए हैं और मैंने प्रोटोजोन्स थे प्रोटोजन के कुछ क्वेश्चन थे अमीबा में जो छूट गए थे वो यहाँ पर अब फाइनली हो रहे हैं। हाउ मैनी न्यूक्लियर फाउंड इन द नेमेटो मैचोर सिस्ट ऑफ एंटीमोबा हिस्टोलिटिका वन
और एट एट न्यूक्लियर मैच्योर स्टेट में पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन इन एंटी हुआ हिस्टोलॉजिकल टेक प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस। इस तरह से अमीबा में पाया जाता है, इस तरह से यहाँ पर एवलिना में पाया जाता है, इस तरह से पैरामिस में पाया जाता है, इस तरह से प्रोटोजोआ पोरीफेरा में पाया जाता है, लिकोसोलोनिया और साइकान में। टू लेयर डेफिनेशन इनिशियल एनिमल प्रोटोजोन पर फादर अनसेट्री, तो यहाँ पर इवलिना था। पैरामालन बॉडी रिजर्व फूड है, इवलिना में पाई जाती है, रिजर्व फूड होती है, रिजर्व फूड इवलिना बीडीडीएस यहाँ पर होगा। पैरामालन बॉडी पैरामालन ईजे तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर होगा कार्बोहाइड्रेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वरी बी हैप्पी।